नमस्कार, आज हैदराबाद सिटी पुलिस साउथ जोन फलकनुमा डिवीजन के तरफ से एक सेंसेशनल बेबी किडनैपिंग केस को 6 घंटे के अंदर डिटेक्ट किया गया और डिटेक्शन के बाद बेबी को बिल्कुल सलामत, सही सलामत, हेल्दी सिचुएशन में रिकवर भी किए। जैसा कि आप जानते हैं, आज सुबह 5 बजे फलकनुमा पुलिस स्टेशन में यह कंप्लेन आया था कि रात को 2 बजे एक छोटे बच्चे का किडनैपिंग हुआ है और इसमें कंप्लेनेंट शेख बसीर और उनकी पत्नी सुल्ताना, ये दोनों आकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन किए कि रात के वक्त उनके दो महीने छोटे बेबी का किसी ने आकर किडनैपिंग किया। यह बहुत सेंसेशनल केस था और हमारे एसएचओ फलकनुमा, एसीपी फलकनुमा इमीडिएटली टीम बनाकर सीसीटीवी कैमरा के एनालिसिस के लिए, लोकल ह्यूमन इंटेलिजेंस के लिए और भी जो सुराग इसमें मिल सकते हैं सबके लिए टीम बनाए और टीम बनाकर सबको फौरन रवाना करें। और 6 घंटे के अंदर हमारे डीसीपी गजराव भूपाल, एडिशनल डीसीपी रफीक, एसीपी फलकनुमा, एसएचओ फलकनुमा और पूरे टीम मिलकर के बेबी को रिकवर किए और अक्यूज्ड को अरेस्ट भी किए। जैसा कि आप जानते हैं, ये नाइस होटल वाटेपल्ली के तरफ, सलामी हॉस्पिटल के तरफ का इशू था और इसमें जो अक्यूज्ड पकड़े गए हैं जिनका नाम है सैयद साहिल और उनकी वाइफ जबीना फातिमा और उनकी एक सिस्टर है जिनका भी नाम फातिमा है, इनकी गिरफ्तारी हुई है और अब फलकनुमा केस के मुताबिक इनको जेल में रिमांड किया जाएगा। ऐसे मौके पे हमारे डीसीपी साहब, एडिशनल डीसीपी साहब, एसीपी साहब, एसएचओ फलकनुमा और पूरे टीम को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। लेकिन सबसे बड़ा मुबारकबाद मैं उस बच्चे की मां को पेश करता हूं जिनकी खुशी आज अभी इतनी है कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। जिस समय ये पुलिस स्टेशन में आई थी, हमारे एडिशनल डीसीपी साहब अभी बता रहे थे कि लाख समझाने के बाद भी वो अपने आप को रोक नहीं पा रही थी और सुबह से कंटिन्यूअसली रो रही थी। किसी भी मां के लिए इससे भी ज्यादा बड़ा चीज और क्या हो सकता है कि 2 महीने के बच्चे का कोई किडनैपिंग कर ले। ऐसे मौके पे हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से हम लोग अपना कमिटमेंट को आज फिर दोबारा आपके सामने रख रहे हैं कि हैदराबाद सिटी पुलिस के सभी ऑफिसर, होमगार्ड से लेके कमिश्नर ऑफ पुलिस तक, हमारा पहला प्रायोरिटी है कि जो कमजोर हैं, जो गरीब हैं, उनकी सेफ्टी, उनकी हिफाजत पहले हो। और इसके लिए हमारे पास जो भी रिसोर्सेज है, हमारे पास जो भी आइटम्स हैं, सब हम लोग यूज करेंगे। हमारा पहला प्रायोरिटी है गरीबों का देखभाल करना, उन कमजोर लोगों का देखभाल करना जिनका शायद कोई नहीं है। ऐसे मौके पे मैं एक बार फिर आप लोगों से कहना चाहूंगा कि सीसीटीवी कैमरा की अहमियत बहुत ज्यादा है। जैसा कि आप जानते हैं, हैदराबाद शहर में अभी तक 3,40,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। हिंदुस्तान में हम लोग नंबर 1 पोजीशन पे हैं जहां तक सर्वेलेंस कैमरा का सवाल है और दुनिया में हमारा पोजीशन नंबर 16 है। यह एक इंटरनेशनल सर्वे कंपनी द्वारा किया हुआ सर्वे का नतीजा है और हम चाहते हैं कि हमारा यह शहर हैदराबाद है जिससे आप और हम बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, इसको दुनिया का सबसे बेहतर और सेफ सिटी हम लोग बनाएंगे। इसमें आपका कोऑपरेशन चाहिए उन तमाम लोगों से जिनके पास भगवान का दिया हुआ, अल्लाह का दिया हुआ कुछ पैसा है, वो कुछ पैसा सीसीटीवी में भी खर्च करें। नेनू सैतम प्रोग्राम कम्युनिटी कैमरा में पैसा लगाकर सोसाइटी को सेफ करें। ये आपके, आपके परिवार और सबके लिए बहुत जरूरी है। ऐसे मौके पे हमारे एडिशनल सीपी ट्रैफिक की तरफ से एक वेरिफिकेशन का एक्सरसाइज चल रहा है। पिछले कुछ दिनों में
कुछ ऑटो ड्राइवर्स के ऊपर कंप्लेंट्स आई हैं, और ये जो कल रात का भी जो इंसिडेंट हुआ इसमें भी ऑटो ड्राइवर का ही इन्वॉल्वमेंट है। तो जितने भी ऑटो ओनर हैं सभी से हमारी गुजारिश है कि आप अपने ऑटो ड्राइवर्स को उनका कैरेक्टर वेरिफिकेशन पुलिस के द्वारा जरूर कराएं। हमारे स्पेशल ब्रांच में जो भी ऑफिसर हैं वो आपके ऑटो ड्राइवर के बारे में पूरी जानकारी पता करके उनको सर्टिफिकेट देंगे कि उनका कैरेक्टर कैसा है, और उसके बाद आप डिसाइड करिए कि वो आपके ऑटो चलाने के लायक है कि नहीं। ऐसे मौके पे आज मैं आप लोगों के सामने वो पेरेंट्स जो गरीब माँ बाप हैं बच्ची के उनको बुलाना चाहूँगा। और सबसे पहले तो मैं फलकनुमा डिवीजन, फलकनुमा पुलिस स्टेशन के सभी ऑफिसर को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उस गरीब माँ बाप को उनके आंसू को आप लोग रोके हैं। आपको ऊपर वाला आपको बहुत ताकत दे, आपको बहुत हिम्मत दे कि आगे इस तरह के आने वाले जो भी केस मुश्किलात से मुश्किलात केस रहे उसको आप जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। बहुत बहुत शुक्रिया।